झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन की याचिका को सुनवाई के योग्य ही माना नहीं गया। मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई, जहां हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि झारखंड में जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है। इस संबंध में पहले ही कई आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उन्हें पहली बार 14 अगस्त को पूछताछ के लिए इसी मामले में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में उन्हें दोबारा 24 अगस्त को और तीसरी बार 9 सितंबर को समन जारी किया गया। बावजूद इसके सीएम सोरेन ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए एसपी राजू ने बताया कि आखिर में उन्हें चौथा समन 23 सितंबर को जारी करना पड़ा। इसके बाद भी ईडी के सामने पेश होने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन वहां भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट स्तर पर बताते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। इसी बीच ईडी ने उन्हें पांचवा समन जारी किया है। बावजूद इसके सीएम सोरेन ने ईडी के सामने हाजिर होने के बजाय एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने पीएमएलए की धारा 50 और 63 के आधार पर सीएम सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब सीएम सोरेन को हर हाल में ईडी के समक्ष हाजिर होना ही होगा।